तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम 3D टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं 3D डिज़ाइन में। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखेंगे 3D डिज़ाइन में किस तरह से हम लिख सकते हैं। हाँ, तो पहले स्टार्ट में जाना है। स्टार्ट में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करना है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे कॉर्नर में दिख जाएगा होम के बाद इंसर्ट, तो इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद हमें यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें से हमें सिलेक्ट करना है ये जो वर्डर दिख रहा है, तो इसमें हमें क्लिक करना है। तो वर्डर में भी बहुत सारा स्टाइल होगा, वर्डर अलग अलग तरह का डिज़ाइन। तो हमें बेसिक जो फर्स्ट में हमें दिख रहा है उसमें क्लिक करना है। अब इसको हमें जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है योर टेक्स्ट हेयर, तो यहाँ पे हमें इसको काट के हमें जो भी लिखना है, मतलब कुछ भी लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं आसान। तो अब इसको हमें क्या करना है, ये ऊपर भी कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और ये जो है ये यहाँ पे हम साइज चेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको, और ये जो है बोल्ड और ये है इटैलिक, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, अब इसको ओके कर देते हैं। अभी यहाँ पे आ गया। अब इसको क्या करना है, इसको पहले हमें इसके ऊपर राइट क्लिक करना है माउस से। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट वर्डर में क्लिक करना है। फॉर्मेट वर्डर में क्लिक करने के बाद लेआउट मिलेगा ऊपर की तरफ, लेआउट में जाना है और इसमें क्लिक करना है, फिर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और ओके। तो ये हो गया हमारा जो वर्डर से हमने पहले लिख लिया। अब इसको हमें 3D डिज़ाइन देना है, तो 3D शेप में लाने के लिए इसको हमें यहाँ पे जाना होगा, पहले सिलेक्ट करना होगा। अगर ये सिलेक्ट नहीं होगा तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो सिलेक्ट करने के लिए हमें इसके ऊपर ही क्लिक करना है, और यहाँ पे मिल जाएगा 3D इफेक्ट्स बोल के, तो ये फॉर्मेट में मिलेगा 3D इफेक्ट्स। तो 3D इफेक्ट्स में क्लिक करना है और यहाँ से हम सिलेक्ट कर देंगे 3D डिज़ाइन। तो ये हो गया, 3D शेप में आ गया। अब यहाँ इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, तो कौन सा स्टाइल लेना है, तो यहाँ से हम इस तरह से रखना है इसको जैसे। अब ये नॉर्मली 3D डिज़ाइन में आ गया। अब इसको हमें शेप फील्ड में जाना है और इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर देंगे। और इसका जो बैकग्राउंड का कलर है 3D कलर, 3D कलर इसको हम देंगे, 3D कलर में जाएंगे, तो इसका 3D कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देंगे। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हमें जाना है पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाके हम यहाँ पे पेज कलर का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से हम इसको इस तरह से बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर देंगे। अब इस शेप को हम फिर से फॉर्मेट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें पोजीशन मिलेगा। अगर हमें एडजस्ट करना है इस तरह से, हम इसको किसी भी पोजीशन में इस तरह से घुमा सकते हैं। तो इस तरह से हम 3D में कोई भी चीज़ हम लिख के डिज़ाइन कर सकते। तो ये हो गया 3D डिज़ाइन। तो अब इसको हमें सेव करके रखना है, तो सेव करने के लिए स्टार्ट कॉर्नर में जाना है और यहाँ से हमें सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें हमें क्लिक करना है। और फिर हमें फाइल नेम, तो कोई भी फाइल नेम हमें लिखना है, तो ये लिख देते हैं आसाम। और इसको हम फिर से कहाँ पे सेव करना है डेस्कटॉप सिलेक्ट कर देते हैं और इसको हम सेव में क्लिक कर दें। तो ये हो गया सेव, इसको क्लोज कर देते हैं।